होता है, समझे। गुब्बारा जो है सदैव गोलाकार होता है, तो इसमें जरा देख लीजिए, बोल रहा है कि व्यास दिया हुआ है और इसका आयतन का परिवर्तन निकालिए। आयतन का परिवर्तन का मतलब होता है, आयतन का परिवर्तन का मतलब आयतन का डिफरेंशिएशन। क्या होती है? आयतन का डिफरेंशिएशन होती है, आयतन का डिफरेंशिएशन। देखिए यहाँ पर प्रोसेस में चलता हूँ, तो यहाँ पर व्यास आपका दिया हुआ है, व्यास कितना दिया हुआ है 3y2 2x+1। व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या, क्या होगा 2 × त्रिज्या होती है। अब यह गुना में तो कहाँ जाएगा, बटा में आ जाएगी ना, ये बटा में आ गई, बटा में आ गई तो ये हो जाएगा क्या, 4 हो जाएगी ना। अब देख लीजिए, मुझे आर के सापेक्ष निकालना कभी का है, आर के सापेक्ष मुझे निकालना आयतन का परिवर्तन, किसका निकालना है, आयतन का परिवर्तन निकालना है। तो हम गोले का आयतन पहले निकाल लेते हैं, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³ होती है, इसे भी से डिनोट करते हैं हम, दे दिए यहाँ पर। आर कितना देखो तो आर क्या आपका यार है ना, आर का मान हम दे देंगे 3/4 2x+1, यहाँ पावर इतना हो गया 4/3 π, पावर सबके लिए होता है, 3 × 3 क्या होगा 27, ये हो जाएगा 64, और इस पर पावर हम दे दिए, 3 से कट जाएगा 9 बार, 3 × 4 = 12, क्या बार 16 बार, ये हो जाएगा v=9π/2 क्या होगा 16 2x+1³। अब मुझे क्या करना है सो देख लीजिए, मुझे अब इसका डिफ्रेंसिएशन जो करना है, मुझे सर x के सापेक्ष करना है, क्योंकि गोला इसका परिवर्तन ही व्यास परिवर्तनशील है, व्यास परिवर्तनशील है, कहने का मतलब है व्यास जो इसका बदलते रहता है, व्यास परिवर्तनशील है मतलब व्यास जो इसका जो है वो हमेशा बदलते रहती है। मैंने एक्स के सापेक्ष इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, मुझे किसके सापेक्ष करना है, एक्स के सापेक्ष, ऐसे बोला भी जा रहा है प्रश्न में, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर चलिए तो हो जाएगा dvy हो जाएगा, dx हो जाएगी 9π/16, इसको कॉन्स्टेंट मानते इसको छोड़ दिया हमने, 2x+1³ पावर छोड़ कर लाएंगे, पावर है ना छोड़ देंगे तो इतना हो जाएगी। मैं इसे ले जाऊंगा गुना के रूम में, ले गया गुना के रूम में, ना पावर है ना गुणांक है तो क्या देंगे dx दे देंगे, 9π/y इतना है। अब देखिए दोनों मिलता है ना, दोनों मिलता है तो पावर से गुना करेंगे घटा देंगे, एक घटाएंगे तो क्या होगा 2 हो जाएगा, कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा और इसका 1 हो जाता है, हो गया 1, ये हो गया 27 कर सकते हैं, इसको 9 में 3 से गुना करेंगे ये होगा 16, 2x+1² हो जाएगा 2 से हम काट सकते हैं 8 बार, 27π/8, यहाँ 2x+1 का क्या होगा इतना, समझे, सेंटीमीटर तो नहीं दिया हुआ था कुछ भी, कुछ दिया हुआ था सेंटीमीटर देखो था नहीं दिया हुआ था, इसको क्या लिखोगे आयतन का परिवर्तन है तो इकाई क्यों लिख सकते हो, नहीं इकाई क्यों लिख सकते हो, इकाई क्यों, चलिए बनाइए सर।